नमस्कार दोस्तों, खांसी चाहे ड्राई हो या बलगम वाली, ड्राई कफ हो या प्रोडक्टिव कफ हो, दोनों ही पेशेंट को बहुत इरिटेट करती है। दिनचर्या में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत ही डिस्टर्बिंग हो जाती है। स्पेशली अगर छोटे बच्चे हो जो कि खांसते खांसते सो जाते हैं या खांसी की वजह से नींद नहीं आ रही, इसी तरह ओल्ड एज की अगर बात करें कि खांसते खांसते पेशेंट पूरी रात खांसते खांसते निकाल लेता है, तो ऐसी अवस्था में 4 या 5 कुछ बेस्ट मेडिसिन है उनकी चर्चा करेंगे, जहां से आप अपनी डिस्टर्बिंग कफ चाहे वो ड्राई हो या प्रोडक्टिव कफ हो दोनों से ही निजात पा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं और वीडियो इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जब भी नए वीडियोज आएंगे आपको उसका अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा स्पेशली बच्चों की अगर बात करें तो नींद में भी सोते सोते वो खांसते रहते हैं, सो रहे हैं और 2-4 खांसी के ठसके आए, कई बार पेशेंट जग जाता है, बच्चा जग जाता है। इसी तरह बड़े लोग में भी है, खांसते खांसते पेशेंट कई बार जगते हैं और सफोकेशन फील करते हैं, कई बार चेस्ट में पेन होने लगता है। इस तरह की अगर दिक्कत आपको हो रही, स्पेशली अगर छोटे बच्चे हैं और ड्यूरिंग स्लीप, यहाँ तक कि बड़े लोगों में भी अगर ड्यूरिंग स्लीप आपको कफ आ रही है, आप नींद में हैं गहरी और सोते सोते आपको अचानक से खांसी आ जाती है और 3-4 बार खांसी आकर आपकी नींद टूट जाती है या वापस आप सो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में लैकसिस 200 कंटिन्यू 3-4 दिन, ज्यादा दिन नहीं लेनी है, सुबह शाम 200 पावर में कुछ ही दिन, 2-3 दिन लेनी है और आप इसमें काफी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। दोस्तों, रात में सोते हुए ड्यूरिंग स्लीप स्पेशली बच्चे या एडल्ट्स में भी अगर नींद के समय खांसी आ रही है तो लैकसिस लेनी है। अगर पेशेंट खांसते खांसते जग जा रहा है और बैठकर अपने सीने को होल्ड कर रहा है, सीने को होल्ड करने मतलब है, पकड़ने का मतलब है कि पेन हो रहा है चेस्ट में, इतनी खांसी आ रही है, तो अगर ऐसी कंडीशन है जहां पेशेंट बैठ जा रहा है सीने को पकड़ के और खांसी भी आ रही है रात में सोते समय, तो नेट्रम सल्फ 200 पावर में सुबह शाम कुछ दिन ही देना है, 3-4 दिन, और इसमें आप काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। स्पेशली यहाँ पर अगर प्रोडक्टिव कफ है और स्पेशली येलो स्टिंच लेकर कफ बाहर आता है, पीले रंग का कफ बाहर आता है, तो नेट्रम सल्फ का ये और इंडिकेशन बहुत अच्छा है। अदरवाइज रात में सोते समय पेशेंट उठ के बैठ जा रहा है और चेस्ट पकड़ रहा है तो नेट्रम सल्फ का ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। बच्चों में बात करें या बूढ़े लोगों में बात करें, दोस्तों अगर खांसी की वजह से नींद में आप सो रहे हैं और नींद टूट जा रही है खांसते खांसते और पेशेंट बहुत इरिटेट हो रहा है, बच्चों में ये इरिटेशन रोने के माध्यम से पता चलेगा, बच्चा खांसते खांसते उठेगा और रोने लगेगा और वो पूरी पूरी रात इरिटेशन की वजह से, खांसी की वजह से रोता रहेगा। एडल्ट एज में बुजुर्ग लोग बैठ जाएंगे और उठ के चिल्लाने लगते हैं कि खांसी हो रही है, ये दे दो वो दे दो, तो जो इरिटेशन है आपको इस तरह से दिखेगा। अगर पेशेंट रात में सोते समय खांसी की वजह से उठ जा रहा है और इरिटेटेड फील कर रहा है, चाहे वो रोना हो या चिल्लाना हो, दोनों ही अवस्था में कैमोमिला 30 पावर में सुबह शाम कुछ दिन देकर सिर्फ 3-4 ही दिन देंगे और बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा दोस्तों क्लासिफाई करते हैं, एक कैटेगरी है जहां पर ओल्ड एज सोने से पहले जब वो कोशिश कर रहे होते हैं कि नींद आ जाए तो नींद नहीं आती खांसी की वजह से। अगर वजह खांसी है, पेशेंट खांसता जा रहा और नींद नहीं आ रही, 12 बज गया, 1 बजे, आपको आवाज सुनाई दे रही है, अगर ये ओल्ड एज में हो रहा है तो कैलेडियम 30 पावर में सुबह दोपहर शाम देकर नींद अगर प्रिवेंट हो रही, नींद आ नहीं रही है। इससे पहले हम लोगों ने बात की है कि जहां पर पेशेंट सो रहा था, चाहे वो नेट्रम सल्फ था, चाहे लैकसिस थी, कैमोमिला, अगर नींद आने नहीं दे रही है खांसी, ओल्ड एज में आप कैलेडियम दे सकते हैं 30 पावर में सुबह शाम, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो सुबह दोपहर शाम देकर 2-3 दिन में आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अगर यंग लोगों में ऐसी दिक्कत हो रही कि खांसी की वजह से नींद नहीं आ रही है, 2-3 घंटे लग जा रहे हैं नींद आने में, तो स्टिक्टा पल्मोनेल 30 पावर में सुबह दोपहर शाम आपको इसका सेवन करना है और आप देखेंगे कि आपकी नींद का जो प्रोसेस है वो काफी आसान हो जाएगा और खांसी भी आपकी काफी इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों, ऑस्टिकम, स्पेशली रात में होने वाली कफ। दोस्तों, अगर आप सो रहे हैं, अब वो सोना आप दोपहर में भी सो सकते हैं, शाम में भी सो सकते हैं, रात में भी सो सकते हैं, अगर कभी भी आप सोते हैं और खांसी की दिक्कत होती है तो लैकसिस, कैमोमिला और जो इंडिकेटेड मेडिसिन नेट्रम सल्फ हमने बताया उनमें से आप क्लासिफाई करके लेंगे। बट अगर रात में ही आप सोने की कोशिश कर रहे हैं और सोते समय खांसी आ रही, स्पेसिफिक टाइम है पेशेंट बताएगा कि जब बच्चा सोता है या जब हम सोते हैं उसी वक्त खांसी ज्यादा आती है, तो कॉस्टिकम 200 पावर में सुबह शाम 3-4 दिन देंगे और आप देखेंगे पहले से दूसरे ही दिन में आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ये दिक्कत, सोने वाली दिक्कत रात में खांसी के साथ हो रही है, सिर्फ रात,
तो आप कॉस्टिकम देंगे, अदर देन दैट पेशेंट चाहे दोपहर में भी सोता है, इरिटेटेड फील करता है तो कैमोमिला, खांसते खांसते जग जाता है तो लैक्सेट सीना पकड़ के बैठ जाता है तो नेट्रमसल। अब अगर ओल्ड एज की बात करें, पेशेंट स्लीप नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, कैलेडियम। और अगर यंग एज में बात करें तो दोस्तों स्टिक्टा पल्मोल। तो ये छोटा सा वीडियो जहां पर लोगों ने 4 से 5 मेडिसिन की बात की स्लीप और कफ को रिलेट करते हुए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दे, जरूरतमंदों को शेयर जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।